हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस इन इंडिया। आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसे विला में जो कि 30x60 की डायमेंशन में बना हुआ है। सिंगल स्टोरी है, रीसेल का विला है जिसे रिनोवेट किया हुआ है। इसकी लोकेशन है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड। ये है विला का फ्रंट एलिवेशन जो कि जोधपुरी स्टोन से डिजाइन किया हुआ है। अब चलते हैं विला के अंदर। यह है विला का पार्किंग स्पेस जिसका साइज है 10x48 का। यहाँ हम इजीली अपनी 2 से 3 गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। यह है विला का पॉर्च एरिया जहाँ हम प्लांटेशन कर सकते हैं या किसी भी तरह से इसे यूज कर सकते हैं। इस विला के 4 एंट्रेंस गेट है। यह है विला का ड्राइंग रूम जिसका साइज है 15x11 का। यहाँ हम इजिली अपना सेटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल पेंट दिया हुआ है। ये है इस विला का लॉबी कम डाइनिंग एरिया जहाँ पे यहाँ पे हमें टीवी पैनल मिलेगा, साथ ही यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल मिलने वाली है। ये है विला का फर्स्ट बेडरूम जो कि अटैच लेट बाथ रहने वाला है। सेकंड एंट्रेंस इसकी यहाँ रहने वाली है। यहाँ पे हमें बॉक्सेस बेड, साथ ही यहाँ पे वार्डरोब सेक्शन मिलेगा। ये है इसका अटैच लेट बाथ जहाँ पे ब्रांडेड सैनिटरी रहेगी। ये है विला का सेकंड बेडरूम जिसका साइज है 12x13 का। यहाँ बॉक्सेस बेड, साथ ही यहाँ पे वॉल पे वार्डरोब सेक्शन पूरा कवर किया हुआ है। ये अटैच लेट बाथ रहेगा। अब आपको लेके चलती हूँ किचन की ओर। ये है इस विला का किचन एरिया जिसका साइज है 13x11 का। फुली मॉड्यूलर किचन है जहाँ पे ग्रेनाइट का काउंटर टॉप, साथ ही यहाँ पे अपर कैबिनेट, नीचे यहाँ पे ट्रॉली बॉक्सेस मिलेंगे। यहाँ आरओ दिया हुआ है। ये है यहाँ का सिंक प्रोविजन। पीछे की ओर वॉशिंग एरिया है जहाँ पे ग्रेनाइट की स्लैब, यहाँ हम अपना एक्स्ट्रा सामान स्टोर कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन का यूज कर सकते हैं। यहाँ टेरेस पे जाने की स्टेयर्स मिलेगी जो कि मार्बल की मिलने वाली है। इस विला की फ्लोरिंग मार्बल की रहेगी। जैसा मैंने आपको बताया था इसमें 4 एंट्रेंस गेट है, तो 1, 2 ये 3 एंट्रेंस और 4th उस साइड था। ये है यहाँ का वॉश बेसिन एरिया और साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन लेट बाथ। अगर आपको ये विला पसंद आया हो तो इस विला को खरीदने के लिए या विजिट करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हाउस इन इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।